गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यचर्या उपागम, यानी पाठ्यचर्या के उपागम। ये पाठ्यचर्या के कौन कौन से उपागम होते हैं बच्चों, ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं ये रिट सिलेबस में आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के परिचर्चा के रूप में आपका ये टॉपिक है। उसके अंदर आपके जो विभिन्न, मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम का निर्माण हम किस तरीके से करते हैं, उनकी परिभाषाएं, ये सब हमारे उसमें समाहित है। तो आप जानते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं इन्हें आप अच्छे से समझें और इस पर आप ध्यान दें। ये आपके रिट में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के परिचर्चा के रूप में ये टॉपिक है आपके, उसमें इन टॉपिकों का वर्णन है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्यचर्या के उपागम, कि पाठ्यचर्या के क्या क्या उपागम होते हैं। कई बार हमारे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो बहुत अंदर से और छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चन आपको बताइए, जो आपको बिंदु बताए जा रहे हैं, हम मानते हैं कि जो आप कोचिंग वगैरह लेते हैं उसमें आपको उतनी गहराई से चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन हमारे पास यहाँ समय होते हुए उन छोटे छोटे जो बिंदु हैं जिससे कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो, इसीलिए हम ये चीजें बता रहे हैं आपको और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। क्योंकि कई बार हम जो कोचिंग में पढ़ते हैं उससे ना आके हमारे वो जो, जब हम उस पर एक तरह से आश्रित रहते हैं और वो बिंदु हमारे नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार बहुत छोटी चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं। तो मेरा मानना है कि इससे संबंधित पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से संबंधित आपके जो भी बिंदु हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाए। तो यहाँ है हमारा पाठ्यचर्या के उपागम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाठ्यक्रम के उपागम बताए, पाठ्यक्रम विकास के उपागम बताए, इस पर ध्यान देना बच्चों कि पाठ्यक्रम उपागम, और दूसरा था पाठ्यक्रम विकास के उपागम, यानी कि जो हमारा आज परिवर्तनशील जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्यचर्या। ये आपको पता है कि पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम और पाठ्यचर्या हमारा सिलेबस। तो आज हम जो बिंदु लेके आ रहे हैं, जो उपागम बताने जा रहे हैं, वो उपागम है हमारे पाठ्यचर्या के, यानी कि सिलेबस के उपागम। तो हमने देखा कि जो हमारे पाठ्यचर्या के उपागम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उपागम में आपको पता है, उपागम का अर्थ मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि उपागम का अर्थ होता अप्रोच, यानी कि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उस चीज के हम निकट जाते हैं, यानी कि निकट जाना, पास जाना, ये हमारे उपागम होते हैं। तो वही चीज आज हम, मैं आपको पाठ्यचर्या के उपागम के बारे में बताऊंगी कि पाठ्यचर्या में जो हम उपागमों का समावेश करते हैं उनके लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, या हम कहें कि ऐसे कौन से उसके अंदर मुद्दे होते हैं, या कहें मुख्य बातें होती हैं जिन्हें हमें समाहित करना चाहिए। जब हम उपागमों का चयन करें तब हमें इन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जैसे हम देखें कि हम किसी से जान पहचान करते हैं, उस वक्त हम जब जिस चीज के बारे में जानते नहीं हैं, तब उस चीज के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, भी प्रिपेयर होते हैं कि हमें आखिर उससे पूछना क्या है। अर्थात जिस चीज के बारे में जानते नहीं है उस चीज के बारे में हमें क्या क्या जानना है, यानी हम उन मुख्य बिंदुओं को उसमें डालते हैं कि हमें किन किन मुद्दों पर बात करनी है जिससे कि हमारी जान पहचान हो। वही चीज यहाँ पर है कि पाठ्यचर्या के जो उपागम है हमें उनमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम उस चीज को अच्छे से जान सके। तो आज जो हमने इनका तीन बिंदुओं के रूप में हमने इनका विभाजन किया है, पहला है हमारा पाठ्यचर्या उपागम का चयन, सेकंड है हमारा उपागम और विविध अनुदेशात्मक संगठन, थर्ड है हमारा उपागम और अनुदेशात्मक विधियां। ये हमारे तीन उपागमों के अंदर ये महत्वपूर्ण बात होती है, ये तीनों, इनका इनके अंदर समावेश होना चाहिए, या हम कहें ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें देखते हुए हम पाठ्यचर्या के लिए हम उन उपागमों का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम है हमारा पाठ्यचर्या उपागम का चयन। हम मानते हैं कि जब हम जो सिलेबस बनाते हैं, शिक्षक उस सिलेबस को जब हमारे लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका सबसे पहले हम उस उपागम का, यानी कि हम
उस सिलेबस का चयन करेंगे, हम उस जो हमारे लिए उपयोगी है उस चीज का हम चयन करेंगे, वो हम वस्तु विषय विषय वस्तु का हम चयन करते हैं, हम हमारे पठन वस्तु का चयन करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। किसी भी हमारे जो शैक्षिक कार्यक्रम में पाठ्यचर्या के सभी उपागम हमारे महत्वपूर्ण होते हैं और वो विभिन्न उपागम एक दूसरे से उद्देश्यों की हमारी क्या कहते हैं, जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसी के द्वारा हमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम जिस चीज को नहीं जानते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जब उस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका संबंध होता है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि जिस चीज का हम चयन कर रहे हैं उपागम में, जब हम इसका चयन समावेश कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि उसका उद्देश्य किसी दूसरे उपागम से जरूर जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वो किसी ना किसी उद्देश्य से वो जुड़ा हुआ होता है और साथ में फिर हमारा जो उद्देश्य होता है उसकी भी वो पूर्ति करवाता है। तो हमारे जो विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करवाता है उपागम। और शिक्षाविद जो हमारे इसके ज्ञाता होते हैं, शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षाविद एक पाठ्यचर्या उपागम से दूसरे उपागम को अपेक्षाकृत क्या बनाते हैं, हम उपयोगी मानते हैं। अपने माना है कि विभिन्न विचारकों के, विभिन्न शिक्षाविदों के अपने अपने विचार होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो उपागम वो मान रहे हैं उनका वैसे, यानी कि सब अपना कार्य श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। या हम कहें कि हम स्वयं भी अगर कोई कार्य करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम दूसरों से अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ बताई कि जो शिक्षाविद हैं वो सब अपने अपने तरीके को, अपने अपने उपागमों को वो क्या बताते हैं, उपयोगी बताते हैं कि हमारे लिए ये उपयोगी है। फिर हम इस बात के लिए कहें कि जो सवाल हम भी कहते हैं कि सवाल यह नहीं है कि कौन सा पाठ्यचर्या श्रेष्ठ है, किंतु विचार करने के लिए यह बात है, हमारा कोई विचारणीय टॉपिक यह है कि जो संतुलित पाठ्यचर्या का निर्माण, इसमें इसका अधिकतम प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि हमें जो पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं, जो सिलेबस हम बना रहे हैं, वो सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि वो सब में संतुलन बिठाए। यानी कि हमारा, अगर हम देखें तो आज के टाइम पे हम मानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम और हमारा पाठ्यचर्या, हम कैसा मानने की कोशिश करते हैं, हम मानते हैं कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारे सामाजिक, आर्थिक और हर तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास होगा कब, जब उसमें संतुलन होगा। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि हमें अगर पाठ्यचर्या जो है, हमें इस चीज पर कोई विचार नहीं कि किसका श्रेष्ठ है, बट हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो सिलेबस हम काम में ले रहे हैं, जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं, वो उद्देश्य हमें कहाँ तक संतुलित करता है। अर्थात अगर उसमें संतुलित होगा, सामंजस्य होगा, तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो आगे भविष्य में भी और वर्तमान और भविष्य दोनों में वो हमारे लिए सामंजस्य बिठाएगा, एक तरीके से हमारे लिए संतुलन बैलेंस बनेगा वो, क्योंकि जो हमारा पाठ्यचर्या होता है वो हमारा बैलेंस होता है कि हमें किस तरीके से हमें शिक्षा लेनी है। हम ये कहें कि हमारी शिक्षा जो हमें शिक्षित करने में भी उसकी भूमिका होती है और साथ में हम जो आजीविका, हमारे आजीविका के रूप में हम शिक्षा को जो अपनाते हैं उसमें भी संतुलन करते हैं। तो हमारा जो शिक्षा जो पाठ्यचर्या पर आधारित होती है, वो शिक्षा जो हमें भविष्य बनाती है, हमारी हमारी वर्तमान और भविष्य दोनों में संतुलन बनाए। अगर हम ये कहें कि जो उद्देश्य है वो उद्देश्यों को, उन उद्देश्यों में, वर्तमान उद्देश्यों में और भविष्य उद्देश्य दोनों में संतुलन बिठाए, ऐसा हमारा उपागम का हमें चयन करना चाहिए, जिससे कि हम जो विषय वस्तु लेकर चल रहे हैं, जो हमारा बैलेंस है, हमारा पाठ्यचर्या, वो हमारे लिए एक संतुलित हो सके और हम उससे सामंजस्य बिठा सके। सेकंड है हमारा उपागम, यानी कि पाठ्यचर्या उपागम और विविध अनुदेशनात्मक संगठन। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो उपागम होते हैं, पाठ्यचर्या उपागम होते हैं,
वो विविध हमारे अनुदेशनात्मक संगठन के रूप में बनते हैं। बच्चों अनुदेशन का अर्थ आप सब जानते हैं, इसमें है अनुदेशात्मक। अनुदेशन का अर्थ हम क्या जाने, सूचना लेना, यानी कि जो हमें सूचना देते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारे कक्षा कक्ष की और छात्र की जब हम विद्यालय में आ रहे हैं तो हमारे सबसे बड़े हमारा जो अनुदेशन सहायक अनुदेशन है वो कौन है, हमारे शिक्षक। हम कहेंगे कि शिक्षक के बाद में हमारे लिए वो सारी सामग्री आती है, अनुदेशन सामग्री जो हम काम में लेते हैं। बाकी जो सबसे पहले हमारे सहायक होते हैं सूचना देने के लिए होते हैं, जो हम सूचना प्राप्त करते हैं वो सूचना सबसे पहले हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, हमारे शिक्षक के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि हम विविध जो अनुदेशनात्मकों का हम संगठन करते हैं, किन किन चीजों का उसमें समावेश होता है, हम उसे किस तरीके से तैयार करते हैं, ये हमारे उपागम में आता है। क्योंकि अनुदेशन सामग्रियों का जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारे पाठ्यचर्या में अहम होता है, क्योंकि हमें किन चीजों की उसमें आवश्यकता है, किन सूचनाओं की उसमें आवश्यकता होती है, ये किससे पता चलता है हमें, हमारे अनुदेशन। क्योंकि अगर हमें जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं और उसके प्रति हमें वो सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो इसमें बताया गया है कि उपागम जो पाठ्यचर्या उपागम है और अनुदेशनात्मक क्या अनुदेश विविध अनुदेशनात्मक का संगठन भी करने का कार्य करता है, उसे संगठित करता है। सामान्य तौर से हम देखें कि किस तरह से संगठित करते हैं, यानी कि शिक्षा को या कोई भी हमारी अनुदेशन सामग्री है वो सबसे पहले हमें सामान्य ज्ञान और अंतर विषय, जो हमारा अंत है विषय, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दो तरीके से जो हमारी सामान्य शिक्षा तथा अंतर विषय उपागम, दो ऐसी अवधारणाएं हैं जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र में हमारी अधिक मान्यता प्राप्त करते हैं। हम जब भी विद्यालय में आते हैं हमें जो सिखाया जाता है उसके साथ हम मानते हैं कि शिक्षक हमें सामान्य ज्ञान भी देते हैं। तो इसमें बताया गया कि दो तरीके का अनुदेशन है, दो तरीके की हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, हम सामान्य भी और अंतर विषय। सामान्य यानी कि जो हमारी बेसिक होता है, सामान्य में हमारी खुद की भी प्रीवियस नॉलेज आ जाती है, क्योंकि जब तक हमारा सामान्य ज्ञान क्लियर नहीं होता है, बेस क्लियर नहीं होता है, हम आगे का ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसमें दो चीजें होती हैं, दो अवधारणाएं, पहली है हमारी सामान्य और दूसरा होता है हमारा अंतर विषय। यानी कि हम इस जो सबसे अनुदेशन में कहते हैं सबसे अहम भूमिका है वो ये होती है कि हम किस तरीके से हमारे बेसिक नॉलेज को, सामान्य ज्ञान को और अंतर विषय को हम दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ने का काम, किस तरीके से हमारा जो सामान्य ज्ञान है उसे हम अंतर विषय के द्वारा जोड़ के हम उसे आगे जिसे कहते हैं विकसित कर सकते हैं। उन दोनों में हम संबंध बनाते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं कि वो ज्ञान हमारा हमारे अंतर विषय से जुड़े। तो ये दो अवधारणाएं हमारी इसके अंदर होती हैं। आप माने कि जो हमारी सामान्य शिक्षा है किसी शैक्षिक कार्यक्रम का केंद्र मानी जाती है, जो हमारा सामान्य बेसिक नॉलेज है वो हमारी क्या मानी जाती है, हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों का केंद्र मानी जाती है। इसीलिए जब छात्र चुनते हैं या छात्रों द्वारा यह चुनी जाती है, तो जब हम इसका छात्रों के द्वारा यह चुनी जाती है, जबकि दूसरे जो उपागम है हमारे उसमें क्या किया जाता है, हम जो अंतर विषय है कई विषयों का उसमें चयन करते हैं। हम देखते हैं जब विषय की बात आती है तो हम विभिन्न विषय पढ़ते हैं, हम ये कहें हम मैथ भी पढ़ेंगे, हम सामाजिक अध्ययन भी पढ़ेंगे, हम उसमें हिंदी भी पढ़ेंगे, यानी कि उसमें बहुत सारी अंतर विषय होती है जिन्हें कि हम जिनका ज्ञान करते हैं। सामान्य ज्ञान तो सिर्फ हमें शिक्षित करने का कार्य करती है, लेकिन उन विषयों का और ज्यादा से ज्यादा हमें सिर्फ उन विषयों का ज्ञान करवाती है कि ये विषय, लेकिन उन विषयों के अंदर क्या है ये हम जब तक नहीं जानेंगे जब तक कि हम उस विषय को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि हमें उस चीज का ज्ञान लेने के लिए हमें उसको उसमें सम्मिलित करना पड़ता है, उस अंतर विषय का हम खुद उसमें जाकर सम्मिलित होते हैं। शिक्षक हमें कहते हैं ना, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर उस अनुदेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको सफल बनाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अनुदेशक हमें शिक्षा दे रहे हैं और जब शिक्षार्थी नहीं होंगे, शिक्षार्थी उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो अप्रभावी है। क्योंकि हमें जो
शिक्षक जब ये अनुदेशन बनकर कार्य कर रहे हैं, वो बल किसके लिए रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जब तक उन दोनों का इसमें जब तक इन दोनों का संबंध नहीं होगा, दोनों इस चीज को नहीं समझेंगे, दोनों का बराबर का इसमें सहयोग नहीं होगा, तब तक ये प्रक्रिया अप्रभावी रहती है। तो इसमें बताया गया है कि हम अपनी अगर इसमें हम देखें कि जो हमारी इन दो चीजों के ऊपर सामान्य और हमारी अंतर विषय, इसमें हम शिक्षाविदों का देखें तो हम शिक्षा की परिभाषा अगर जानना चाहें या पाठ्यचर्या की हम परिभाषा जाने तो ये हमारे सामने पहले भी आ चुका है कि दो तरीके से मानते हैं हम, संकीर्ण और विस्तार, यानी संकीर्ण यानी बहुत छोटा, संकीर्ण स्तर पर और व्यापक स्तर पर। संकीर्ण में हमने देखा है कि जहाँ शिक्षा के बहुत छोटे रूप में, यानी कि सब दार्शनिकों सब शिक्षाविदों के विचार अलग अलग होते हैं, तो इनके इस शिक्षा के प्रति भी, इस पाठ्यचर्या के प्रति भी उनके दोनों विचारधाराएं हैं, संकीर्ण विचारधाराएं और व्यापक विचारधाराएं। उस दोनों के आधार पर वो इनका विभाजन कर देते हैं, उनका अनुदेशन कर अनुदेशन का अर्थ निकाल देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जबकि अपनी मानसिकताओं के आधार पर जो संकीर्ण छात्रों में सामाजिक अध्ययनों की और जरूरत को सुलझाने की संबंधी जो हमारे कौशल होते हैं उनसे वंचित हमें नहीं रखना चाहिए। हमें ऐसा ज्ञान शिक्षक दे कि हम उन कौशलों में जो कौशलता में हम कहते हैं ना किसी भी कार्य को करने में हम कौशलता हासिल करें जिसे हम आगे तक एक सफल बना सके। अनुदेशन प्रक्रिया वही प्रभावी प्रक्रिया होगी जिसमें कि शिक्षक पूर्ण रूप से शिक्षार्थी को पारंगत कर दे, उसे हर बिंदु पर, हर अपने कौशलों पर उसे एक तरह से पारंगता हासिल हो जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसी प्रकार जो हमारे अंतर विषय उपागम में सामाजिक समस्याओं को उपागम हेतु जो हमारे विविध विषय के जो हमारे क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं भी होती हैं या सीमाओं को हम उसमें मिलाते हैं, यानी कि अंतर विषय यानी कि हम विषय से संबंधित समस्याएं लाते हैं। यहाँ हम कहें कि हमारी सामान्य ज्ञान से हम समझे कि हम हमारी जो शिक्षा है वह बेसिक शिक्षा में हमारी समाज की आवश्यकताएं हमारी खुद की आवश्यकताओं को ले लें, लेकिन विषय से संबंधित तो हम क्या करेंगे, हम पार्टिकुलर उस विषय से संबंधित ही हम ज्ञान ग्रहण करेंगे कि हमारा उसमें कौन कौन सा ज्ञान है। फिर आता है हमारा उपागम और अनुदेशात्मक विधियां, यानी कि पाठ्यचर्या उपागम और अनुदेशात्मक विधियां, जो जहां हम इस स्ट्रक्चर हम संगठित करते हैं, यानी कि पहले हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि हम किस तरीके से हम उद्देश्य ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ हमने चयन किया, चयन करने के बाद में हम यहाँ उन्हें नियोजित करते हैं। हम देखें कि हम किस तरीके से नियोजित करते हैं। नियोजन करने का दो तरीका है, दो रूपों को उसको मिला दिया जाता है, संगठित कर दिया जाता है जब उसका स्ट्रक्चर बनता है। कहते हैं ना कि दो पार्ट जहाँ अनुदेशन होते हैं, शिक्षक हमें दो रूप में ज्ञान देते हैं, सूचनाएं देते हैं, उन दोनों को इसमें संगठित कर दिया जाता है कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। फिर आता है हमारा कि जो हमने चीजें संगठित की हैं उनके लिए हम कौन कौन सी विधियां, जो हम मानते हैं कि मेथड, हम देखते हैं कि शिक्षक हमारे लिए जो अनुदेशन प्रक्रिया लेके आते हैं, जो सूचनाएं हमें दे रहे हैं शिक्षक, वो सूचनाएं हम क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न विधियों के द्वारा हम उसको कैच करते हैं। उसके लिए शिक्षक को पहले से अपने लिए एक मेथड विधियां तैयार करनी पड़ती है। कहते हैं ना शिक्षक अपने लिए पूर्व नियोजित प्रक्रिया अपनाकर चलते हैं। वो पहले जब बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, कक्षा में जाने के लिए तैयार, तो उससे पहले वो अपना पूरा क्या करके रखते हैं, अपना जो उन्हें पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्व नियोजित कर रखते हैं। कहते हैं अगर शिक्षक पूर्व नियोजित प्रक्रिया से ना पढ़ाए तो उनका शिक्षण अप्रभावी होता है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्व नियोजन की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब तक हम पूर्व नियोजित नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसे हमें किस क्रमबद्ध रूप से उसे स्टार्ट करना है, उसकी शुरुआत करनी है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसमें बताया कि पाठ्यचर्या के योजना कर पहले ज्ञान तथा जो हमारा ज्ञान होता है उससे तथा जो विषय वस्तु है हमारा इसके लिए, इसके बाद में हमें शिक्षण और अधिगम अनुभवों को हम क्या करते हैं, नियोजित कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, किसके अनुभवों का हमें पालन करना है, या शिक्षक अपने अनुभवों को यानी कि पहले कहीं ना उन अनुभवों को प्रयोग में लिया, उन अनुभवों का उन्हें कहाँ प्रयोग करना है, साथ में वो अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति के बावजूद पाठ्यचर्या के जो हमारे दोनों तत्व हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व जो हम पहले बताया हमने
की योजना बनाना, और दूसरा हमारा क्या हो गया, विषय वस्तु को जो लेते हैं, ये हमारी जो दार्शनिक तत्व जो हम मानते हैं इनको, हमें इनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक दोनों उनकी महत्वपूर्ण योजना होती है। पहले पूर्ण नियोजन प्रक्रिया, क्योंकि अगर पूर्ण नियोजन प्रक्रिया के बिना शिक्षक जाते हैं तो उनका शिक्षण प्रभावी नहीं होता। इसीलिए दोनों तत्वों की हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तत्व ही हमारे शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावी अंग हैं। हम द्वारा लिए जो शिक्षक हमारी अनुदेशन प्रक्रिया है, हमारे लिए जो अनुदेशन के रूप में हमें शिक्षा देते हैं, उसके लिए दोनों तत्वों का समाहित होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारे पारंपरिक विचारधारा के लिए जो भाषा विद में हम विश्वास रखते हैं, उस विषय वस्तु को हमें क्या करनी चाहिए, उसकी वकालत ना करते हुए, किंतु जो हमारी आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा वाले जो शिक्षाविद हैं, हमें सामाजिक समस्याएं जो हमारे सामने उभरी हुई है, यानी कि हमारे सामने जो सामाजिक समस्याएं आती हैं, हमारी जो जरूरतें होती हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। अर्थात हम किसी परंपरा से ना जुड़कर, जैसे कि हमारी पहले की शिक्षा थी परंपरावादी, कहते हैं शिक्षा का रूप दोनों था, संकुचित और व्यापक। तो संकुचित को देखते ही हम हमारी पूर्व में प्राचीन काल वाली शिक्षा में चले जाते हैं। तो उसी के लिए कहा गया है कि जो पूर्व में, जो पहले प्राचीन काल में शिक्षा थी, या प्राचीन काल के जो शिक्षाविद थे, हम कहें आदर्शवाद के लिए, तो हमें उस पर ध्यान ना देते हुए जो हमारी आधुनिकवाद है, जो हमारा आज की जरूरतें हैं, आज जो शिक्षाविद बोलते हैं, हमें उस पर ध्यान दें, क्योंकि आज हमारी शाम किस तरीके की शिक्षा लेना चाहते हैं उस पर हमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे सामाजिक समस्याएं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जरूरतें होती हैं, हम उनको देखते हुए हमारी शिक्षा लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं उसके बारे में, हम एक मैंने पहले भी कही थी कि शिक्षक भी परिचर्चा करते हैं और शिक्षार्थी, क्योंकि शिक्षक जब तक परिचर्चा नहीं करेंगे, उनको किन विधियों का हमको प्रयोग करना है, जब तक कहते ना कि शिक्षक भी हम एक दूसरे शिक्षक अपना जो विधि है और तरीका जो होता है उनका पढ़ाने का, उसके लिए भी वो परिचर्चा करते हैं। तो इस चीज के लिए बताई गई है कि इन सब चीजों का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किन विधियों का इसमें प्रयोग करना है। इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम जो उपागम में इन चीजों का समावेश करते हैं वो उपागम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो आधारभूत, जो हमारा कठोरता पूर्वक बल न देकर क्या करना चाहिए हमें, शिक्षा शास्त्र को जो हमारे संतुलन रखना है, उस उपागम को वो महत्व देना चाहिए या उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए, जिससे कि आज की हमारी शिक्षा, और हमारी कहते हैं कि अगर हम जो आज शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा हमें कहाँ तक हमारे अंदर संतुलन बिठाए, हमारे आने वाले भविष्य तक, यानी कि प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर दोनों में संतुलन बिठाए, ऐसी हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और उसी के आधार पर हमें हमारी पाठ्यचर्या को तैयार करनी चाहिए। ये हमारे आज के उपागम थे पाठ्यचर्या के। धन्यवाद।